हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, एलोवेरा जेल एंड विटामिन ई का ये कैप्सूल मैं ली हूँ एंड इसका जो बेनिफिट्स है मैं आपको आज दिखाऊंगी एंड इसको मैं कहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आप वो आगे वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप मेरा थंबनेल पढ़ के जान चुके होंगे, मैं हेयर के ऊपर एक कुछ मतलब वीडियो बनाने जा रही हूँ। एक बेनिफिट्स से वीडियो है ये, मतलब आप इसको मतलब यूज करेंगे, जैसे कि समर है या विंटर है, कोई भी टाइम पे यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं बाजाज आलमंड ड्रॉप्स ली हूँ, मैं यही ऑयल यूज करती हूँ। मेरे मतलब रेगुलर डे टू डे लाइफ में मैं ये ऑयल तो ही यूज करती हूँ मेरे हेयर के लिए। एंड इसका जो है, मैं आपको बताती हूँ, एलोवेरा जेल एंड विटामिन ए, ये विटामिन ई जैसे कि आपको कोई भी शॉप में, मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। उसका प्राइस बहुत अफोर्डेबल है, 30 रुपीज़ के अंदर ये आ जाता है, 26 या 27। चलिए इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है, विटामिन ई बहुत बेनिफिट्स रहता है हमारा स्किन के लिए एंड उसके साथ हमारा जैसे कि हेयर के लिए, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं स्किन पे भी। मैं आपको कभी दूसरा एक वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी इसका बेनिफिट्स, एलोवेरा जेल एंड विटामिन ई का। अभी मैं जैसे कि हेयर फॉल कंट्रोल एंड इसके साथ हेयर को स्ट्रॉन्ग एंड हेयर ग्रोथ एंड उसके साथ आपको जैसे कि डैंड्रफ है, तो मैं इसमें भी कुछ ऐड कर रही हूँ। आप वीडियो स्किप ना करके आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। एंड ये विटामिन ई को पहले मैं जैसे कि एक बाउल ले ली हूँ आपके, जैसे कि मैं फर्स्ट, पहले तो मेरा थोड़ा लॉन्ग हेयर था, अभी मैं थोड़ा सा मतलब उसको शॉर्ट कर दी हूँ। अभी फिलहाल मेरे को दो विटामिन, देखिए इसका कंसिस्टेंसी सही रहता है, मतलब कैप्सूल टाइप का है ये एंड उसके साथ ये आपको जैसे कि मतलब लिक्विड टाइप का कंसिस्टेंसी में आप देख चुके होंगे, ऐसे ही आपको आ जाएगा। एंड इसमें जैसे कि मैं जैसे कि ऑयल ले लूँगी, आलमंड ऑयल जो है उसको मैं ले लूँगी एंड इसमें मैं दो कैप्सूल ली हूँ। आपके हेयर के हिसाब से आप लीजिए, मेरे को दो में ही आ जाएगा तो इसीलिए मैं दो ही ली हूँ। एंड आपका हेयर लंबा है तो मतलब तो आप इसको ले सकते हैं एंड ये शाइनिंग भी करेगा, एलोवेरा जेल भी हेयर शाइनिंग करता है, तो इसलिए आप जो कंडीशन यूज़ करते हैं वो भी आप यूज़ करने का ज़रूरत नहीं रहेगा, कंडीशनर। एंड आपको जैसे कि हम मतलब हेयर आपको मतलब ड्राई हो जाने के बाद हम सिल्क शाइन या जैसे कि लगाते हैं लीवन का जो ऐसे, तो वो भी आपको लगाने का ज़रूरत नहीं रहेगा क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें जैसे कि एलोवेरा जेल ऐड कर रहे हैं, तो वो शाइनिंग करने में और स्मूथनिंग करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो आप ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिए एंड आप ये ट्राई कीजिए, बिल्कुल आपको भी बहुत सारा बेनिफिट्स मिल जाएगा इसको। आप मतलब ट्राई करने के बाद मेरे साथ शेयर कीजिए, ऐसे नहीं कि आप एक बार करेंगे तो आपको इसका ग्रोथ मिल जाएगा, इमीडिएट इमीडिएट ग्रोथ तो नहीं मिलेगा, ग्रोथ मतलब हेयर ग्रोथ होने में टाइम लगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा स्किन मतलब सॉरी हेयर आपका जैसे कि सिल्की एंड स्ट्रॉन्ग एंड उसके साथ आपको स्मूथ स्मूथ स्मूथिंग स्मूथिंग लगेगा। आप एक बार इसको एक ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। एंड इसमें जैसे कि अभी मैं इसमें मतलब आपका सपोज अभी विंटर चल रहा है तो आपके मतलब हेयर में जैसे कि डैंड्रफ ज़्यादा हो गया होगा, तो आप इसको क्या करेंगे ना, इसमें थोड़ा सा लेमन जो है, नींबू जो है, उसको थोड़ा आप इसमें डाल दीजिए, वो भी आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। नींबू का जो बेनिफिट्स है वो आपको जैसे कि जो डैंड्रफ है उसको आपको रिमूव करने के लिए हेल्प करेगा, तो आप इसमें नींबू ऐड कर दीजिए, बस ये हो जाएगा। एंड आप इसको कैसे लगाएंगे मैं आपको वीडियो में आगे दिखा रही हूँ, स्किप मत कीजिए, आगे देखिए।
देखिए फ्रेंड्स, मेरा पहला तो इतना मतलब लेंथ थोड़ा लंबा था मतलब हेयर का, वही मैं बता रही थी। एंड इसको अच्छे से तरह से मिक्स कर दीजिए। एंड इसके बाद बैकग्राउंड इग्नोर कीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा ऐसे बिखरा हुआ रखा हुआ था सारा चीज़, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पे देखिए आपका जो स्क्राब पे ही इसको अब बस यूज़ कीजिए। आप चाहते तो उसको मतलब वो थोड़ा मतलब लिक्विड कंसिस्टेंसी है, तो इसलिए आप इसको क्या कर सकते हैं ना, मतलब हम हेयर के ऊपर डाल के भी आप इसको मतलब थोड़ा सा मसाज दे सकते हैं। बस इसको आप 2 घंटे के लिए बस छोड़ दीजिए ऐसे लगा के, उसके बाद आप इसको हेयर, आपके पास टाइम है तो ज़्यादा टाइम आप इसको रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऐसे लगा के अच्छे तरह से चारों तरफ आप इसको छोड़ दीजिए। अब तो वीडियो देख लिए कैसे मैं मसाज की। एंड उसके बाद इसको लगाने के बाद थोड़ा सा कवर करके मैं 2 घंटे के लिए छोड़ दी। मैं जैसे कि बताएं, आपके पास टाइम है तो आप इसको मतलब छोड़ सकते हैं 2-3 घंटा या 4 घंटा ऐसे। एंड आप इसको वीकली 2 बार कीजिए टाइम है तो, नहीं तो आप 1 महीने में जैसे कि 2 बार कर सकते हैं, नहीं तो आप 15 दिन में 2 बार कर सकते हैं। ऐसे आपके पास टाइम है तो आप जब भी हेयर वेस्ट करेंगे ऐसे करके आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। टाइम नहीं है तो आप 1 महीने में 2 बार ऐसे कीजिए, आपको अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा जैसे कि ड्राई कर ली हूँ। एंड देखिए आपको मतलब मेरा हेयर जैसे कि थोड़ा स्ट्रेट लग रहा है वॉश करने के बाद, क्योंकि एलोवेरा जेल जैसे कि ऐसे तो मेरा हेयर कर्ली हेयर नहीं है, नॉर्मल है, बट फिर भी थोड़ा सा अच्छा लगा। आप देख के जान चुके होंगे, यहाँ पे आपको पता चल चुका है, इसीलिए मैं मतलब दिखा रही हूँ। ड्राई करते टाइम लाइव आपको दिखा दी, मैं सोच के आपको दिखाऊंगी तो आपको यकीन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा मतलब जैसे कि सिल्की सिल्की थोड़ा सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद थोड़ा सिल्की सिल्की टाइप का दिख रहा है। एंड ये आपको बिल्कुल भी मतलब जैसे कि सिल्की साइन एंड जैसे कि लीव ऑन जो रहता है, आप इसको लगाने के भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरा यार थोड़ा अभी ऑलमोस्ट सूख चुका है। अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब है, कमेंट्स करना ना भूलिए। एंड आप एक बार ट्राई